हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज आम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी रो लास्ट यूनिट रही यूनिट 1, 2, 3, 4 सब यूनिट 1, 2, 3, 4 मुझ सब चैप्टर कवर कर दी। आज आम लास्ट यूनिट 5 रे डिस्कस करवा गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जे वोमेन एम्पावरमेंट थ्रो गर्ल्स एजुकेशन एंड इट्स नीड्स। ये गोटे बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रही वोमेन एम्पावरमेंट थ्रो गर्ल्स एजुकेशन एंड इट्स नीड। वोमेन एम्पावरमेंट कौन एवं गर्ल्स एजुकेशन द्वारा तार बेनिफिट कौन रही तार आवश्यकता कहीं रही वोमेन मानक आम एम्पावर कराया डिस्कस कर चलो वन बाय वन। तो तापूर्व गोटे जिनस कहीदेवि जो मैंने चाहते पीडीएफ नापी से पीडीएफ परचेस करेंगे। पीडीएफ परचेस करने कंटाक्ट नंबर अलरेडी मुझे प्रायत समस्त पाखे थी तो मुझे थे कंटाक्ट नंबर मुझे कंटाक्ट नंबर जे जो मैंने केवल ओनली व्हाट्सअप करेंगे 7751006165 7751006165 नंबर को सेमाने ओनली व्हाट्सअप करेंगे। मुझे कौन करी ना मेसेज मुझे पीडीएफ सेंड करदेवि। इच पेपर कॉस्ट रही ओनली 150 तो ये दिन आप परचेस कर पढ़ापढ़ी स्टार्ट करूँ। चलते आज हम पढ़ा वोमेन वुमेन एम्पावरमेंट। देखो द नीड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट अक्रॉस सॉरी अराउज बिकॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड मेल डोमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी फ्रॉम एंशिएंट टाइम कहला द नीड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट जे वुमेन एम्पावरमेंट आवश्यकता कहीं रही ना एटा या द्वारा कौन हो ना ये जागृत करुच्ची कौन जागृत करुच्ची ना बिकॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन द्वारा एंड मेल डोमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी फ्रॉम एंशिएंट टाइम। देखो पुराणा समय कौन हो भारतीय सोसाइटी जो पुरुष मानकर डोमिनेशन मान जो पुरुष मानकर जो आधिपत्य अधिक रही जहाद्वारा कि सेटारे मेल और फीमेल मानक मतलब गोटे गोटे जेंडर भेदभाव गोटे डिस्क्रिमिने गोटे गोटे सृष्टि होतीपाई ही वुमेन जो वुमेन एम्पावरमेंट आवश्यक रही। ओके सो वुमेन आर बीइंग सप्रेस्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स एंड सोसाइटी फॉर मेनी रीजन विभिन्न कारण पर जे फैमिली मेम्बर्स सोसाइटी वुमेन मैंने कौन कर गोटे जिनस को दमन कर चापी दिखाई सोसाइटी बाहर को आने दि जाऊना। तो ये सब जिनस आनसीएंट पुराण मानने बहुत पुराण इू लग रही। सो अल्सो दे हैव बीन टारगेटेड फॉर मेनी टाइप्स ऑफ वायलेंस प्रैक्टिसेस एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस बाय द मेल मेंबर्स इन द फैमिली। दैट मीन्स वायलेंस प्रैक्टिसेस मीन्स स्वामी मद खाई आसो स्त्री को पिटो बा अन्यान क्षेत्र में हो सोसाइटी गोटे डिस्क्रिमिनेट गोटे डिस्क्रिमिनेट हे जे गोटे धर जो गोटे गोटे सोसाइटी जो गोटे कंपिटिशन हो गए सेमिनार हो गए गोटे गर्ल जब कह स्पीच देवी गोटे टॉपिक उपरे तो सीट कहु ना यू आर एज यू बीइंग ए गर्ल यू आर नॉट अलाउड टू गिव एनी और टू पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ टास्क जेकोसी टास्क तुम अधिकार ना यू डोंट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट एज यू ओनली बीइंग ए गर्ल केवल झीवर तो यह सब जिनस आम तो कह डिस्क्रिमिनेटरी प्राक्ट ये सब जिनस होता है। ओके सो बर्तमान कौन करा वुमेन एम्पावरमेंट रेफर्स टू स्ट्रेंथनिंग बर्तमान पढ़ा तो वुमेन एम्पावरमेंट कौन ना यू तार स्टार्ट जे वुमेन एम्पावरमेंट रेफर्स टू स्ट्रेंथनिंग द सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशन पावर ऑफ वुमेन ए सब क्षेत्र में सोशियाली हो इकोनॉमिकली हो एजुकेशनली ए सब क्षेत्र में वुमेन गोटे वुमेन को गोटे तार जो पावर को स्ट्रेंथन कराव आहरी मजबूत कराव। इट रेफर्स टू एन एनवायरमेंट व्वेयर देर इज नो जेंडर बायस जे एटा गोटे प्रकार एभली भाव गोटे गोटे परिवेश बुझाऊँ जोटार कि कौन सी जेंडर बायस नव समस्त इक्वल राइट्स थी सोसाइटी हो कम्युनिटी हो। ओके सो वुमेन्स एम्पावरमेंट एजुकेट्स एंड एम्पावर्स वुमेन हु आर होमलेस तेना वुमेन एम्पावरमेंट कौन कहे ना ये एजुकेट कराए एवं वुमेन मानक पावर दिए जो मैंने कि होमलेस जार घर ना विथ द स्किल्स एंड कन्फिडेन्स समस्त को कन्फिडेन्स दिए स्किल दिए जेटा कि नेसेसरी टू सिक्योर ए जॉब एंड टू गेट ए होम फॉर देमसेल्फ एंड देयर चिल्ड्रेन। ओके सो बर्तमान पड़े तरह बेनिफिट कौन रही तो कंट्रोल फर्स्ट कहला कंट्रोल इन पपुलेसन ग्रोथ वुमेन जदि गोटे शिक्षित हे ऑब्वियसली से प्रोडक्शन जो अधिक हवा उचित नुहे हेले तर बैड इंपैक्ट कौन रही से बुझीपर तेणु पॉपुलेशन ग्रोथ रे कंट्रोल हे रिड्यूस इन चाइल्ड मोर्टालिटी ऑब्वियसली चाइल्ड मोर्टालिटी कम जी माँ जब नॉलेजेबल हे इनक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी हम फैमिली फैमिली माला न्यूट्रिशन मीन्स कौन फैमिली जो आगुरी कौन होता ना
ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ମାନେ ପୋଷଣ ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରାଇଟ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବା ପ୍ରପର୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମଦର୍, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ଖତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମା' ଯଦି ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ, ଅଭିୟସ୍ଲି ତ ଏ ଯେଉଁ ମାଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପରିମାଣଟା କମିଯିବ। ଏନରୋଲ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଓମେନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଅଭିୟସ୍ଲି, ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସବୁ ହୋଇପାରିବେ। ମୋ ଲାଷ୍ଟ କହିଲା ଯେ ଓମେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ଓମେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦରକାର, ଯେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଅଭିୟସ୍ଲି ସମସ୍ତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଜବ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବା ବେକାରୀ ଜିନିଷଟା କମିବ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ହେବେ, ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟିର ଓଭରଅଲ୍, ଯଦି ଗୋଟେ ଓମେନ୍ ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି, ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ସୋସାଇଟିର ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ହେବ। ସୋ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, ଇଫ୍ ଏ ଓମେନ୍ ଇଜ୍ ଗେଟ୍ସ ଏଜୁକେଟେଡ୍, ଦେନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି ୱିଲ୍ ବି ଅଲ୍ସୋ ଡେଭଲପ୍ଡ, ସୋସାଇଟି ବି ଡେଭଲପ୍ଡ ହେବ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କହିଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି, ଇକୋନୋମିକାଲି ଅଲ୍ସୋ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, ରିଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ, ଘରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ହିଂସା ହୁଏ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ସବୁ ଜିନିଷ କମିବ, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ୱେନ୍ ଦ ଇଫ୍ ଏ ଓମେନ୍ ଇଜ୍ ବିଂ ଏଜୁକେଟେଡ୍, ଯଦି ତାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଛି ବା ଦିଆଯିବ, ତେବେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଯେଉଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ କମିବ ଏବଂ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ପଭର୍ଟି, ପଭର୍ଟି ଜିନିଷଟା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜିନିଷଟା କମିବ, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ୱେନ୍ ଇଫ୍ ଏ ଓମେନ୍ ଗେଟ୍ସ ଏ ଜବ୍ ଇନ୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ଅର୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ, ଦେନ୍ ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆର୍ନ କରିବ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱୁଡ଼୍ ବି ୟୁ ନୋ ସେ ପଇସାରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ସିଏ ତା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସିଏ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦ ପଭର୍ଟି ଇନ୍ ଇସ୍ ବା ଇନ୍ ଆର୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଜିନିଷଟା ୱୁଡ଼୍ ବି ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ, ସେଇଟା କମିବ। ଓକେ, ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦ ଏଭିଡେନ୍ସ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଟୋଟାଲ୍ ଜେଣ୍ଡର୍ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟିର ମୋ ଚାପ୍ଟର କଭର୍ କଲି, ମାନେ କରିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନୂଆ ବୁକ୍ ପୁଣି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, କ'ଣ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, କ'ଣ ସାଇନ୍ସ ନା କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି PDF ଟୋଟାଲ୍ କଭର୍ କରିଦେଲି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଅଛି, ଯେତିକ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ସେତିକି ହିଁ ଆସିବ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଏଥିରେ ତ ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି ନା, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ 1 ୟୁନିଟ୍ 5 ସବୁ କଭର୍ କରିଦେଇଛି। ଓକେ, ସୋ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି PDF ଶୀଘ୍ର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ।